जय भीम साथियों, बहुजन समाज पार्टी से आज एक बड़ी खबर आई है। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने इस्तीफा दे दिया है। वही आरएस प्रवीण, जिसे बीएसपी में सेकेंड लाइन लीडरशिप की तरफ जाते हुए देखा जा रहा था और लोगों को उम्मीद थी कि बीएसपी को एक बड़ी जीत दिलाते हुए वो इसे तेलंगाना में दक्षिण भारत में स्थापित करेंगे, लेकिन आज उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो इस्तीफे की वजह बताई है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी है, लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, और उसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि आखिर क्यों वो ये फैसला ले रहे हैं। तो वो क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, प्रिय साथी बहुजनों, मुझे ये संदेश टाइप करने में परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे इसे टाइप करना होगा क्योंकि अब नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है। कृपया मुझे इस पोस्ट के लिए क्षमा करें और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। भारी मन से मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे नेतृत्व में तेलंगाना में हाल के फैसलों, चाहे वो कितने भी जानकार क्यों न हो, के कारण इस महान पार्टी की छवि खराब हो। साथ ही मैं कुछ मूल सिद्धांतों और व्यक्तिगत चरित्र से भी समझौता नहीं करना चाहता। एक स्वैरो के रूप में किसी को दोष नहीं दूंगा और मैं उन लोगों को भी धोखा नहीं देना चाहता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। गठबंधन समझौते के तहत चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, हमें आगे बढ़ना है, कठिनाइयों और खुशियों को साझा करना है। यही सच्चा धर्म है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। कल जैसे ही बीएसपी बीआरएस गठबंधन की खबर आई, बीजेपी इस ऐतिहासिक गठबंधन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। कविता की गिरफ्तारी समेत ये प्रयास कर रही है। बीजेपी की साजिशों से डरकर मैं उन मूल्यों को प्रोत्साहन नहीं दे सकता जिनमें मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपनी इस प्रबलता को रोक नहीं सकता। तेलंगाना में भविष्य की रणनीति का फैसला बहुजन समाज पार्टी को करना है। मैं परम आदरणीय बहन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर समय मुझ पर भरोसा करने और मार्गदर्शन करने के लिए आप मेरी हीरो बनी रहें बहन जी। मान्यवर कांशीराम साहिब द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय मिशन के मूल सिद्धांतों को मैं जीवन भर हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। मैं बहुजन राजनीति की दुनिया में इस छोटी सी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस देश के सभी बहुजनों का भी मुझ पर भरोसा करने के लिए सदैव आभारी हूँ। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पवित्र संवैधानिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा और बहुजनों को आत्मनिर्भर, दूरदर्शी और प्रगतिशील समाज में बदलने के लिए अथक प्रयास करूंगा। ये मेरा जीवन भर का मिशन होगा। मैं पूरे समय मेरे साथ खड़े रहने के लिए तेलंगाना और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ, अंत तक मैं बहुजनवाद को मजबूती से अपने दिल में रखूंगा। आखिरी सांस तक बहुजन बन के रहूंगा। जय भीम। तो इस तरह से आरएस प्रवीण ने सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि आखिर क्यों वो फैसला ले रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी बहन जी को लेकर उन्होंने अपनी जो भाषा है, जो शब्द लिखे हैं, वो काफ़ी उनके प्रति सम्मानजनक हैं। यानी ये कहा जाए कि अगर वहाँ लीडरशिप के साथ में कोई तालमेल नहीं था तो उसकी फ़िलहाल इस पोस्ट से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि चाहे वो कितने भी जानकार क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इसका एक ये संदर्भ निकाला जा रहा है कि शायद पार्टी लाइन लीडरशिप में कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ इस तरह की बात रही होगी और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की एक वजह के कविता की गिरफ्तारी भी गिनाई है, क्योंकि के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की बेटी है और दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ईडी की टीम ने। उन पर आरोप है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले को किया है, उसमें उन्होंने भूमिका निभाई है। तो उसमें वो आरोपी थी और ईडी ने उनको दो बार समन किया था, जिसके बाद वहां जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो उनकी गिरफ्तारी को वो बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन के एक नतीजे के तौर पर देख रहे हैं कि उनका कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि तेलंगाना में बीआरएस यानी जो केसीआर की पार्टी है और बीएसपी जो तेलंगाना में जिसके अध्यक्ष आरएस प्रवीण हैं उसके बीच में कोई तालमेल हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीएसपी और बीआरएस ने गठबंधन का ऐलान किया था और साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तेलंगाना में जो केसीआर थे, मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ ही बीआरएस प्रवीण अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़े थे और फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी
पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने अपने आप को दमदारी के साथ चुनाव में भी उतारा। बहन जी ने भी उनको अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि तेलंगाना में कोई बहुत कमाल होने वाला है। हालांकि जो आरएस परवीन है वो खुद अपनी सीट से सिरपुर से वो हार गए और चुनाव नहीं जीत पाए और कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर बसपा का विधायक नहीं बन पाया। उसके बाद से वो अपनी लगातार चुनावी प्रक्रियाओं में लगे हुए थे। बीआरएस के साथ गठबंधन को एक बड़ी अहमियत दी जा रही थी, माना जा रहा था कि तेलंगाना में कुछ कमाल होने वाला है, लेकिन उस गठबंधन के तुरंत बाद आप देखें कि जो के कविता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। और आरएस परवीन के अगर ट्वीट की भाषा को समझें तो वो उस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं जो ईडी सीबीआई और नरेंद्र मोदी सरकार के जो एजेंसियां हैं कहीं वो दबाव की राजनीति तो नहीं कर रही हैं, क्या किसी तरह का दबाव तो उनके ऊपर नहीं था, आरएस परवीन के ऊपर, या उनकी गिरफ्तारी की तो कोई कोशिश नहीं थी। इस तरह की भी संदर्भ निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी उठेगा कि क्या जो बसपा की अध्यक्ष हैं मायावती जी, उनके प्रति, उनके साथ, उनके रिश्तों में कोई खटास तो नहीं थी, क्या कुछ इस तरह की बातें हैं। हालांकि आरएस परवीन ने इस बारे में कुछ भी सामने नहीं रखा है। इस बात की ज़रूरत है कि आरएस परवीन खुलकर इस बारे में बताएं कि आखिर क्यों उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसा उन्होंने क्यों किया। स्पष्ट शब्दों में उनको इस बारे में बताना चाहिए। लेकिन आरएस परवीन तेलंगाना में बीएसपी को मजबूत करने में ज़रूर लगे थे। जब वो विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुटे हुए थे तब हम वहाँ उनके इंटरव्यू के लिए गए थे, एक झलक देखिए कि कैसे वो वहाँ पर अपने चुनावी कार्यक्रमों में लगे हुए थे। जिस लुटेरा के खिलाफ हम लड़ रहे, जिस जालिम के खिलाफ हम लड़ रहे, उस जालिम के घर जाके तुम उसके साथ सत्कार करवा लिया। दक्षिण भारत में बहुजन समाज या कांशीराम, मान श्री कांशीराम जी का, बहन जी का विचारधारा कैसे फैल रही है लोगों में? बिल्कुल, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी शेयर द सेम आइडियोलॉजी एंड सेम हेयर स्टाइल ऑल्सो। तो आर एस परवीन अभी जो है बाइक रैली कर रहे हैं, वो आप पीछे देख सकते हैं कि वो बाइक पे अभी अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। జన ఉద్యమాలకు సిద్ధంగా కదిలాడు బహుజన యుద్ధంగా, మహాత్మకులే మార్గమై మహనీయుల ఆశయ సాధనై, మహాత్మకులే మార్గమై। तो आपके यहाँ सिरपुर में वो कैंपेन करने वाली है क्या? हाँ, सिरपुर में, मेरे ख्याल से सिरपुर में जरूर बन जाए। ये पैसे किसने दिए सर? ये पैसे तीन स्टूडेंट्स ने आके अपना पॉकेट मनी बहुजन समाज पार्टी का चंदे के लिए। तो आरएस परवीन का इस्तीफा निश्चित तौर पर बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीएसपी में आरएस परवीन को एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि बहन जी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उनको तेलंगाना में सीएम कैंडिडेट घोषित किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और वो पूर्व आईपीएस अफसर हैं। आपको बताएं कि आरएस परवीन इससे पहले, राजनीति में आने से पहले, आईपीएस अफसर थे और तेलंगाना की रेजिडेंशियल स्कूल की जो प्रोग्रामिंग है उसके वो अध्यक्ष रहते। उन्होंने वहाँ पर लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल दी, तो उनको पहले से ही इस तरह से पसंद किया जाता था। स्वेरो नाम की एक संस्था चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम कराने में उनकी खास योग्यताएं हैं और इसी रूप में उनको जाना गया है। लेकिन राजनीति में आने के बाद जिस तरह से पूरे दमखम के साथ वो चुनाव में लड़े और उसके बाद चुनाव के बाद भी, वो हारने के बाद भी लगातार सक्रिय थे और अभी बीआरएस के साथ गठबंधन कर रहे थे, तो कहाँ चूक हो गई, क्या कोई दबाव था, क्या कोई रिश्तों में खटास थी, इस बात का भी स्पष्ट रूप से कहना कोई कहीं की कह नहीं सकते कि क्योंकि उन्होंने उस तरह की भाषा नहीं लिखी है, उस तरह के कारण नहीं गिनाए हैं, लेकिन इशारों में कुछ संकेत ज़रूर दिए हैं। इस घटना पर आप कैसे इसको देखते हैं, आरएस परवीन के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि आरएस परवीन एक दमदार नेता के तौर पर उभर रहे थे। उनका जाना निश्चित तौर पर ना सिर्फ बसपा के लिए बल्कि बहुजन मिशन के लिए भी एक झटका है। बहुजन मिशन के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो एंटी कास्ट मूवमेंट में उनका अभी राजनीति से, बहुजन राजनीति से बाहर जाना अपने आप में एक झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद ज़रूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।